70,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली से रवाना किया। इसका उद्देश्य जन औषधि केंद्रों पर जेनरिक दवाओं की उपलब्धता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ये ट्रेन 2 महीने के भीतर 4 राज्यों के 184 स्टेशनों से होकर गुजरेगी। इस तरह की एक और ट्रेन पुणे से दानापुर के बीच चलाई गई है, जो 4 राज्यों से होकर गुजरेगी। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि जन औषधि केंद्रों पर गुणवत्ता परक दवाएं कम कीमत पर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि कुछ बड़े रेलवे स्टेशनों पर भी जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। कि देश के कोई गरीब लोग बिना दवाई मिलने से उसके यहाँ मृत्यु की नौबत नहीं आनी चाहिए। देश के सभी नागरिकों को सस्ती दवा मिले, क्वालिटी दवा मिले, उसके लिए 9,000 से अधिक जन औषधि केंद्र आज देश में खुले हुए हैं। सस्ती और क्वालिटी मेडिसिन लेने के लिए डेली 12 लाख से अधिक लोग जन औषधि केंद्र की मुलाकात लेते हैं। आज देश में जन औषधि सप्ताह के उपलक्ष्य में जन औषधि का प्रचार प्रसार हो, सस्ती जेनरिक मेडिसिन का प्रचार प्रसार हो, इसलिए रेलवे के द्वारा भी एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश के सभी बड़े रेलवे स्टेशनों पर जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। देश के बड़े रेलवे स्टेशन से उन सब पर जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। जैसा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अभी बताया, जन औषधि केंद्र पे बहुत ही कम कॉस्ट पे बहुत अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन मिलती है, जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि हमारे सामान्य नागरिकों को उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिले। गौरतलब है कि देश में इस समय 9,000 से अधिक जन औषधि केंद्र हैं, जहां बड़े ब्रांड की तुलना में 50-90% कम कीमत पर दवाएं मिलती हैं। सरकार ने इस वर्ष जन औषधि केंद्र की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य रखा है।